नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख की जारी। बिहार में जातीय जनगणना पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पितृपक्ष मेला को लेकर गया डीएम ने दिए कई निर्देश। मलमास मेला में श्रद्धालुओं को महज इतने रुपए में मिल रहा बहुत कुछ। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख की जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 1,70,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर होने वाली परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक यह परीक्षा 24 से 26 अगस्त के बीच दो पालियों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जो कि 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत शाम 3:30 बजे से होगी, जो कि 5:30 बजे तक चलेगी। बता दें कि जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार पहली पाली में पुरुष अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि 24 अगस्त को दूसरी पाली में महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 25 अगस्त को पहली पाली में सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी पाली में सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य भाषा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा तीसरे और आखिरी दिन यानी कि 26 अगस्त को पहली पाली में क्लास 9 से 10 तक के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन और दूसरे विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी पाली में क्लास 11 से 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन और संबंधित विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिहार में जातीय जनगणना पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टा की बेंच के द्वारा बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस दायर याचिका में पटना हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराते हुए उसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। मालूम हो कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना का मुद्दा तीसरी बार पहुँच चुका है। सीएम नीतीश ने की अल्पवर्षा पात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अनि मार्ग स्थित संकल्प में अल्पवर्षा पात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्य सचिव के द्वारा मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की साप्ताहिक बैठक नियमित रूप से हो रही है और अल्पवर्षा पाक से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस बैठक में सीएम नीतीश के द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि किसानों को कृषि कार्य में सहूलियत मिल सके, इसके लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। कम से कम 16 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को डीजल अनुदान की राशि वितरण में और तेजी लाने का भी निर्देश दिया। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का काम करे, सभी चापाकल फंक्शन रहे और नए चापाकल लगाने का कार्य 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का सीएम नीतीश के द्वारा निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहे और स्थिति पर अपनी नजर बनाए रखे। बिहार में पूरी होने वाली है जातीय जनगणना। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक बिहार में जाति आधारित गणना से जुड़े विभिन्न जिलों में औसतन 95% काम पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी जिले हैं जहां जाति गणना के 100% काम पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन वे गणना में सामने आए आंकड़ों का मिलान करने में जुटे हुए हैं और उसे अंतिम रूप दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुभानी द्वारा प्रतिदिन जाति आधारित गणना की समीक्षा की जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जाति आधारित गणना के तहत घर घर जाकर हार्ड कॉपी में कॉलमवार जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसमें 26 प्रकार की जानकारी अंकित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही प्रगणकों की टीम कार्यालय में उसे मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करते हैं। धान रोपनी को लेकर कृषि सचिव ने दिया निर्देश। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा धान रोपनी को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि रोजाना धान रोपनी की समीक्षा के लिए कृषि टास्क फोर्स की एक बैठक आयोजित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मक्का मोटे अनाज के लिए किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। 5 जिलों के डीएम से कहा कि क्षेत्र विशेष के अनुसार वैकल्पिक फसलों की कार्य योजना बनाए, कृषि विभाग इसके लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था करेगा। इसके साथ ही उन्होंने जिला पदाधिकारियों से बिजली व्यवस्था, नहर में पानी की स्थिति की जानकारी भी ली और जिलों में सर्वेक्षण कर चेक डैम निजी और सामुदायिक क्षेत्र में कुआं निर्माण करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी निजी और सरकारी नलकूप को सर्वेक्षण कराकर पता लगाए कि वे कितने क्रियाशील है। उन्होंने कम वर्षा की स्थिति में धान के बदले फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत मक्का व पोषक अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी सभी स्तर के कृषि पदाधिकारियों को दी। पितृपक्ष मेला को लेकर गया डीएम ने दिए कई निर्देश। पितृपक्ष मेला 2023 के सफल आयोजन को लेकर आज जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा समाहरणालय सभागार में संबंधित पदाधिकारी एवं पंडा समाज के पुरोहितों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उन्होंने तीर्थ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी को निर्देश देते हुए कहा कि मेला क्षेत्र के साथ साथ सभी विधि स्थल में पूर्ण रूप से किए जाने वाले आधारभूत सुविधाओं यथा साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था,
पर्याप्त टॉयलेट, तालाब के कार्य की सफाई, सीढ़ी की मरम्मत, घाटों, रास्तों, तालाबों, सरोवर में पर्याप्त रोशनी, भीड़ नियंत्रण की वैकल्पिक व्यवस्था, नियमित ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, कुंडों की सफाई, यात्रियों को बैठकर तर्पण करने की व्यवस्था आदि करने को कहा गया है। जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अपने कार्य क्षेत्र में आवंटित सभी कार्यों को हर हाल में 15 सितंबर तक पूर्ण कर ले। मालूम हो कि इस वर्ष पितृपक्ष मेला की शुरुआत 28 सितंबर से हो रही है, जो कि 14 अगस्त तक चलने वाली है। भागलपुर सिल्क का जलवा दिखेगा लंदन में। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के संध्या पर लंदन में रहने वाली भारत के कई राज्यों की 50 से अधिक महिलाओं के द्वारा भागलपुरी सिल्क का जलवा बिखेरा जाएगा। इस बारे में बुनकर आलोक कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वहां पर चैरिटी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे एकत्रित फंड को बुनकरों के हित में खर्च किया जाएगा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम गांधी के स्वदेशी आंदोलन की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, ताकि यहां रहने वाले भारतीय न सिर्फ अपने देश के वस्त्रों को जान सके, बल्कि यहां के बुनकरों को भी बाजार मिल सके। बता दें कि इससे यहां की स्थिति में काफी सुधार आ पाएगा। मालूम हो कि इस कार्यक्रम में लगभग 500 महिलाएं भाग ले रही हैं, जिसमें से 50 से अधिक बिहार की महिलाएं शामिल हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चंद्रमा के लिए भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का चंद्रयान 3 बीते दिन शनिवार को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी बेंगलुरु मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ISTRAC बेंगलुरु से इसे बढ़ाने का काम किया गया। अगला ऑपरेशन कक्षा घटाने का कार्य रविवार यानी कि आज रात 11 बजे किया जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह से अपने केंद्रों को एक संदेश भी साझा किया, जिसमें लिखा था कि MOX ISTRAC यह चंद्रयान 3 है, मैं चंद्र गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है। जमुई के अभिषेक ने अंतर्राष्ट्रीय MMA प्रतियोगिता में जीता सिल्वर। जमुई जिले के खैड़ा प्रखंड के दाबिल पंचायत के एक छोटे से चांगोडीह के रहने वाले श्याम के पांडे के पुत्र अभिषेक कुमार पांडे ने दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फाइट में अपना लोहा मनवाते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में कई देश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें जमुई के अभिषेक का मैच अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हुआ था, जिसको हराते हुए अभिषेक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं अभिषेक की इस उपलब्धि से उसके गाँव में काफी खुशी का माहौल है। कई लोग अभिषेक को बधाई संदेश भेज रहे हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बेहतर प्रदर्शन को लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। अभिषेक के कोच तलहा अहमद का कहना है कि उनकी यह जीत उनकी जीत और मेहनत का नतीजा है। मलमास मेला में श्रद्धालुओं को महज इतने रुपए में मिल रहा बहुत कुछ। बिहार के राजगीर में आयोजित राजकीय मलमास मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनमें पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किए गए VIP टेंट सिटी में बेड की सुविधा भी शामिल है। बता दें कि यह सुविधा पर्यटक मेला की अवधि में 1,000 रुपए 2 व्यक्तियों के लिए भुगतान कर पा सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आवासन के लिए निःशुल्क 4 टेंट सिटी एवं 10 बेड यात्री सेट बनाए गए हैं। इन आवासन स्थलों पर स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, मेडिकल कैंप, रजिस्ट्रेशन डेस्क, पंखा, कूलर और पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था है। इसके अलावा साधु संतों के आवासन के लिए 3 बड़े टेंट बनाए गए हैं। बता दें कि इसके निर्माण में सरकार के कुल 11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के 140 से अधिक कॉलेजों के भुगतान पर रोक। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बीते दिन शनिवार को छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए पहले से पोर्टल पर अंकित संस्थानों की समीक्षा की गई, जिसमें यह पाया गया कि 2019 से 21 के बीच में पोर्टल पर 144 संस्थान सम्मिलित हुए हैं। ये सभी संस्थान सरकारी एडिट अथवा गैर सरकारी संस्थान थे। ऐसे में अब इन सभी संस्थानों के अगली किस्त पर रोक लगा दी गई है और साथ ही संस्थानों के नाम को पोर्टल पर से हटाया भी जा रहा और संस्थानों को उनका पक्ष रखने के लिए पत्राचार किया गया है। बता दें कि प्रथम दृष्टया में पाए गए अवैध रूप से पोर्टल में शामिल हुए संस्थानों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इनमें संलग्न सभी वैसे कर्मी, पदाधिकारी व संस्थानों को चिन्हित करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक की राशि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाती है। नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। अगर आप भी उनमें से हैं जो बिहार में नर्सिंग संस्थान खोलना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी की ओर से आदेश जारी करते हुए यह जानकारी दी गई है कि अब बिहार में नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, क्योंकि उनका ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के निजी प्रक्षेत्र में नर्सिंग संस्थान खोले जा रहे हैं। अब तक ANM, GNM व BSc नर्सिंग के अलावा पोस्ट बेसिक, BSc नर्सिंग व MSc नर्सिंग के संस्थान खोलने के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मालूम हो कि इसके लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है।
राहुल गांधी को मिली राहत पर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले को लेकर मिली राहत के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर सिर्फ रोक लगाई है, उन्हें दोष मुक्त नहीं किया है और उनको मिले इस तात्कालिक राहत पर सबसे ज्यादा खुश राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने सिर्फ लालू प्रसाद से भेंट की और जदयू को दरकिनार किया। उत्साहित कांग्रेस अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार के रूप में खुलकर प्रोजेक्ट करेगी, जिससे कि गठबंधन में नीतीश कुमार, शरद पवार और ममता बनर्जी को ज्यादा तरजीह क्यों मिलेगी। राहुल गांधी और लालू प्रसाद मिलकर जब संसदीय चुनाव के लिए टिकट का बंटवारा करेंगे तब जेडीयू को किनारे ही लगाएंगे। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु बैठक में ही जब कांग्रेस ने नीतीश कुमार की अपेक्षा शुरू कर दी थी तब मुंबई बैठक में विपक्षी गठबंधन का संयोजक पद ऐसे व्यक्ति को मिलना मुश्किल है। आनंद मोहन का सर्वोच्च न्यायालय में इस दिन होगी सुनवाई। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल गई है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की निगाहें पूर्व सांसद और कोसी क्षेत्र में अपना खासा प्रभाव रखने वाले आनंद मोहन के मामले पर है। बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर 8 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जाएगी, जिसमें उनकी रिहाई को लेकर फैसला लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की दिसंबर 1994 में हत्या के मामले में आनंद मोहन को 2007 में फांसी की सजा दी गई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया था। पिछले दिनों नीतीश सरकार की ओर नियमों में बदलाव करते हुए आनंद मोहन को रिहाई दे दी गई है। इसी को लेकर दिवंगत जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया के द्वारा सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई है। आईसीसी और बीसीसीआई के दल ने विश्व कप की तैयारियों को लेकर किया एडन गार्डन स्टेडियम का दौरा। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली के द्वारा आईसीसी और बीसीसीआई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद यह जानकारी दी गई है कि आगामी 50 ओवर के क्रिकेट विश्व कप के लिए चल रही तैयारियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा ईडन गार्डन स्टेडियम को संतोषजनक बताया गया है। बता दें कि अब अगले महीने एक बार फिर से आईसीसी का दल दौरे पर आने वाला है। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि हमें इस बात का विश्वास है कि सितंबर से पहले नवीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा और ईडन गार्डन बिल्कुल नए रूप में नजर आएगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड को भी नया रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही एक और इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड भी ग्राउंड में लगाया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, गुणर शर्मा, मोटू रंगीला, सदुल्लाह पलवी, उमेश सिसदेव, कमलेश शर्मा, नन्नू गोलू कुमार, कन्हैया कुमार, जमशेर आलम, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, रोशनी खातून, हलेश्वर कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, त्रिलोक कुमार, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में अल्प वर्षा की स्थिति से धान की खेती पर क्या प्रभाव पड़ा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।